तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। रो फेडरेशन की तरफ से खेलने गया था करनार हरियाणा में, 300-350 बच्चे आए थे खेलने के लिए। उसमें मैं, मेरे वेट में 12 बंदे थे, उसमें मैं सेकंड आया था, उसमें मैं सेकंड आया था और मैं 180 केजी उठाया वेट में, और उसमें और मैंने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और मैं इसी जिम में अभ्यास करता हूँ। किस तरह की तैयारी दी थी आपकी, क्या था तैयारी? तो बहुत थोड़ी टफ रही, बहुत दिक्कत हुई हर चीज़ से, मगर मेरे सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। किस तरह की मेहनत करते थे, कितने घंटे लगाते थे मेहनत? कम से कम 3-4 घंटे करते रहते थे, सुबह उठ के आना करते रहते, जो भी डाइट मिलती थी वो खाते थे। ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। और क्या कहते हैं आपके घर वाले? घर वाले अब तो खुशी के मारे तो समा ही नहीं जाते कि अब उस दुबई खेलने के लिए सिलेक्शन हो जाए, तो तैयारी उसी की चल रही है। अभी कौन सा खेला है? अभी नेशनल खेला सर, नेशनल खेला जी, इसमें नेशनल। कौन सा मेडल लगा? सिल्वर मेडल लगा सर। कितने किलो में? 180 केजी। 180 जी। कितने कैंडिडेट थे उसमें? 350 थे सर। 350 मेरे वेट में 13 लोग थे। अच्छा, 13 लोगों में से मैं सेकंड लगा जी। सेकंड लगे हो, आगे क्या उम्मीद लगती है? आगे भी खेलने की सोच रहा हूँ, और जैसे जैसे सपोर्ट मिलता रहेगा वैसे खेलते रहेंगे। और 37 साल उम्र हो गई अभी तो। मेरा नाम बबलू। ये करनाल हरियाणा में जो है नेशनल स्तर का जो है पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें 350 बच्चों ने भाग लिया और इन्होंने अपनी कैटेगरी में जो है ना 3 रिकॉर्ड तोड़े। यहाँ पर ये ट्रू फिटनेस जिम में जो है ना तैयारी करने आते थे, तो ये एक ज़मीन से जुड़े हुए जो है व्यक्ति हैं और बिल्कुल मेरे पास में ही रहते हैं। और इन्होंने जो है मतलब ऐसी चीज़ें खा करके जो मतलब एक सामान्य व्यक्ति रोज़ाना खाता है, कोई इतनी ज़्यादा खुराक भी इनके पास नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने जो है जो इनके अंदर जो जुनून था ना वो नहीं छोड़ा। और मैं इनको मोटिवेट करता रहा कि भाई आप जो चाहो कर सकते हो, करते रहो, कोई बात नहीं। और इन्होंने जो है खूब मेहनत करी, इन्होंने आज ये इस मुकाम पर पहुँचे। अब ये आगे जो है आगे इंटरनेशनल भी इनका सिलेक्शन होने वाला है, ये वहाँ जाएंगे। और मैं पूरा इनको प्रयास कर रहा हूँ कि ये अधिक से अधिक जो है तैयारी करें और यहाँ के और बच्चों को भी तैयार करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो परिप्रेक्ष्य में जो है ना इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ शहर में मिल सकती है, लेकिन ये हमारा ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है, तो वहाँ पर जो है ना ये अच्छी तरह से जो है ना और अपने साथियों को भी तैयार करेंगे। ठीक है, आपका नाम? यतीन्द्र शास्त्री, ट्रू फिटनेस जिम अजमेर।